पिछले कुछ सालों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। बात मेट्रो की हो या ट्यूब ट्रेन की, भारत में इनका विस्तार अब देखने को मिलने लगा है। लेकिन अब अगला पड़ाव हाइड्रोजन बस का है। जी हाँ, अगला जमाना अब हाइड्रोजन का है और इससे चलने वाली गाड़ियाँ सड़कों पर अब राज करने वाली है। दरअसल तेल की महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, इसे देखते हुए ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों पर विचार किया जा रहा है। सरकार हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान कर चुकी है, जिसके बारे में हालिया बजट में भी बताया गया। सरकार की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए टाटा, रिलायंस, महिंद्रा और सरकारी तेल कंपनियां भी एक साथ आ सकती हैं। टाटा मोटर्स ने इस दिशा में काम भी करना शुरू कर दिया है। टाटा मोटर्स ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर हाल ही में देश के पहले हाइड्रोजन चालित बस को हरी झंडी दिखाई। बस अभी टेस्ट प्रोजेक्ट में है और इसके बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। हालांकि केरल देश का पहला ऐसा राज्य हो सकता है जहां पर इस साल हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें शुरू हो जाएंगी। इसकी तैयारियां भी बड़े स्तर पर चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल की हाइड्रोजन फ्यूल का चलन शुरू हो जाएगा। टाटा स्टार बस में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगे हैं, जिसका ट्रायल चल रहा है। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो देश की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी और पेट्रोल डीजल पर देश की निर्भरता कम होगी। अभी अरबों रुपए का तेल हालांकि आयात करना होता है, अगर हाइड्रोजन ईंधन पर गाड़ियां चलने लगे तो तेल पर खर्चा कम होगा और सरकारी खजाने पर बोझ भी घटेगा। हाइड्रोजन से चलने वाली बसों से प्रदूषण भी नहीं होता, क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट पानी और ऊष्मा यानी कि हीट के रूप में सामने आता है। ये दोनों चीजें पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं। इससे न धुआं निकलेगा और न ही बसों से आवाजें आएंगी। हाइड्रोजन बस एक तरह से फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बस होगी, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल और बैटरी या कैपेसिटर्स लगे होते हैं। यह हाइब्रिड सिस्टम है, जिसमें फ्यूल सेल गाड़ी को चलाने के लिए ऊर्जा देती है, जबकि मोटर से गाड़ी को एक्सेलरेशन मिलती है। हाइड्रोजन बस को रिफ्यूल करने में महज 7 मिनट का समय लगता है, लेकिन अब ऐसे भी डिजाइन बनाए जा रहे हैं जिसमें 5 मिनट से ज्यादा का समय न लगे। हाइड्रोजन बस में ईंधन डालने के लिए शहर में जगह जगह पंप लगाने की जरूरत नहीं है। बस जिस डिपो की होगी सिर्फ वहीं पर हाइड्रोजन पंप लगेगा, जहां से बसें ईंधन लेकर निकलेंगी। औद्योगिक स्तर पर जिस हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है उसे नेचुरल गैस से लिया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन बस के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। कार्बन कैप्चर और बायोगैस से हाइड्रोजन गैस पाना आसान होगा। हाइड्रोजन बस का संचालन डीजल बस की तरह ही होगा, इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हाइड्रोजन बस पूरी तरह से डीजल बसों को बेदखल कर देंगी। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।